यस, क्या आप सभी को मेरी आवाज ऑडिबल है? जल्दी से बताएंगे। इज इट ऑडिबल? हेलो नितेश, वेलकम। सो यस, मेरा नाम है दीप संगीत माइती। आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अन अकेडमी। सो आप लोगों का स्वागत करता हूँ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन सीरीज में। तो ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है और कोई एज सच इससे आपको टफ क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करिए इस क्लास की लिंक को एंड जल्द से जल्द आ जाइए। लेट मी अपलोड द पीडीएफ। फिर हम स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलो, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है ना थियोरिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो देखो, अ सोलार सेल, एक्चुअली हम आज क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व करेंगे सोलार के। तो देखो, सोलार सेल इज अ पी टाइप एन टाइप इंट्रिंसिक पी एन जंक्शन। ऑब्वियसली पी एन जंक्शन होता है क्योंकि पी टाइप में एक्स्ट्रा होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एन टाइप में एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन को जब सोलार एनर्जी दिया जाता है तो उससे क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मोशन करने लगते हैं, और जब भी रैंडमली मोशन करता है इलेक्ट्रॉन्स तो उसके कारण आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता। इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होना चाहिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें हम डोपिंग वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। और फोर्थ है बेटा पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर सोलार कलेक्टर्स, सोलार सेल्स। तो सोलार सेल्स में जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन सैंड, वो क्या होता है आपका सोलार सेल के लिए यूज़ किया जाता है। समझ में आ रहा है? सोलार सेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं और उसमें हम डोपिंग करते हैं ट्राईवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट, सॉरी टेट्रा नहीं, यस ट्राईवेलेंट एंड आपका पेंटावेलेंट। देखो, एक होता है ट्राईवेलेंट और एक होता है पेंटावेलेंट। ये एटम्स को हम डोप करते हैं सिलिकॉन सैंड के साथ। तो आपको जब ट्राईवेलेंट किया जाता है ना, ट्राईवेलेंट को जब हम डोप करते हैं, कोई भी ट्राईवेलेंट एटम ले लीजिए, कोई भी ट्राईवेलेंट एटम ले लीजिए, उसको जब आप डोप करेंगे सिलिकॉन के साथ तो आपको क्या मिलेगा, ट्राईवेलेंट, तो आपको मिलेगा पी टाइप। और कोई भी पेंटावेलेंट एटम को अगर मैं सिलिकॉन के साथ अगर डोप करता हूँ तो आपको मिलेगा बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो आपको मिल जाएगा पीएन जंक्शन। और दोनों को कैसे कनेक्ट किया जाता है पीएन जंक्शन में, इसको कनेक्ट किया जाता है, यस इसको कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम टेक्नोलॉजी, याद रखना। चलिए, ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स, होल्स आर कलेक्टेड बाई, देखो पीएन जंक्शन होता है, ये मान के चलो बेटा आपका एन जंक्शन है, यहाँ पे आपका पी टाइप है, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में आपके होल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो क्या होते हैं ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें फ्री होल्स होते हैं। जब मैं दोनों को एक साथ जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इधर और होल्स जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर बन के एक डिप्लीशन रीजन बना लेते हैं, दोनों जुड़ के डिप्लीशन रीजन बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हम इस तरीके से सोलार एनर्जी इसके ऊपर आके इंसिडेंट होती है तो ये डिप्लीशन रीजन जो है वो टूट जाता है। और जब ये डिप्लीशन रीजन टूटता है, कैसे टूटता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अलग अलग हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का अलग अलग पेयर बन जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है एन टाइप की तरफ मूव होता है और
जो होल्स हैं, होल्स यहाँ पे आ चुके थे, होल्स वापस पी टाइप की तरफ मूव होने लग जाता है। ये कब होता है? जब सोलार एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट होता है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं फ्रंट साइड, ये वाले को बोलते हैं बेटा बैक साइड या बैक कॉन्टैक्ट। ठीक है? यस। तो बेसिकली जो होल्स होते हैं, होल्स आर कलेक्टेड बाय, होल्स को कौन कलेक्ट करता है बेटा? ये बैक साइड। तो आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलार सेल मटेरियल? हाई एब्जॉर्प्शन बिल्कुल होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए तभी सोलार रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। हाई कंडक्टिविटी ये भी होना चाहिए, शुड नॉट बोला है ना, हाई बैंड एनर्जी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें आंसर जो है आपका सी ऑप्शन, मतलब नहीं होना चाहिए ना, तो हाई बैंड एनर्जी। एक्चुअली देखो क्या होता है, देर आर टू बैंड्स, एक होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, और एक होता है बेटा कंडक्शन बैंड। और ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जब कंडक्शन बैंड की तरफ, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है जब कंडक्शन बैंड की तरफ, ठीक है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड की तरफ जाता है, उनके बीच में ये जो गैप है उसको एनर्जी गैप बोला जाता है। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो गैप है इसको हम एनर्जी गैप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड का मतलब बेटा जो सबसे आउटर ऑर्बिट में रहता है, समझ में आ रहा है? जो सबसे आउटर ऑर्बिट में रहता है, जो सबसे आउटर ऑर्बिट में रहता है वो है बेटा आपका वैलेंस बैंड। मतलब वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पे जो है ना, उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है सबसे आउटर ऑर्बिट, जैसे मैं सिलिकन की बात करता हूँ, सो 284, सबसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड सबसे लास्ट ऑर्बिट जो है उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस में है, और उसको अगर मैं किसी भी तरीके से एनर्जी देकर कंडक्शन बैंड की तरफ भेज दिया तो उससे क्या हो जाएगा? उससे ये होगा कि भाई कंडक्शन बैंड में आया और आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा। इस तरीके से कुछ फेनोमेना होता है। तो अगर हाई बैंड एनर्जी होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन्स कभी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाएंगे, और अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब क्या हो गया? जो सोलार सेल का मटेरियल है ना, जो आपका सोलार सेल का मटेरियल है वो हमारा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हाई जो है नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स डिफ्यूज्ड अक्रॉस द जंक्शन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एक दूसरे से डिफ्यूज हो जाते हैं, अभी समझाया मैं, वो होता है डिप्लीशन रीजन। देखो बताया था ना, जब पी टाइप, ये पी टाइप और ये एन टाइप को जब कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बनता है। यस। चलिए अगला क्वेश्चन। यस, ये तो डायरेक्ट है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ये बी होगा, 12% से 25% होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द कॉमर्शियल टाइप क्रिस्टलाइन सोलार फोटोवोल्टेक सेल। बेटा फोटोवोल्टेक सेल जो है उसमें बहुत सारे सोलार सेल्स होते हैं, समझे मेरी बात? फोटोवोल्टेक सेल जो है उसमें बहुत सारे सोलार सेल्स होते हैं, और वो जो सोलार सेल है, ठीक है, सोलार सेल्स हैं वो कैसे होता है, ठीक है, फोटोवोल्टेक सेल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सोलार सेल और फोटोवोल्ट, बहुत सारे सोलार सेल्स मिलके आपका फोटोवोल्टेक सेल बनता है। तो फोटोवोल्टेक सेल का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है वो 12 से 25%, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। फोटोवोल्टेक सेल वो सेल होता है जो सोलार एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। इन अ ईयर ऑन एन एवरेज सोलार एनर्जी 300 डेज होते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, सोलार कलेक्टर इन अ सोलार वाटर हीटर यूजेस विच टाइप ऑफ ग्लास? सोलार कलेक्टर्स जो सबसे टॉप है ना, सोलार कलेक्टर्स वो होते हैं जो जो सोलार रेडिएशंस है वो सोलार कलेक्टर्स के ऊपर आके इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर ना एक ग्लास लगा होता है, उसको हम कहते हैं बेटा टफेंड ग्लास, जो कि सोलार वाटर हीटर के लिए यूज होता है, ठीक है। सोलार वाटर हीटर में सोलार कलेक्टर होगा जो कि कलेक्ट करेगा, उसके ऊपर ना ये टफेंड ग्लास होता है, टफेंड ग्लास, ठीक है। यस। इन अ सोलार वाटर हीटर
हाउ डज द फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस? सोलार वाटर हीटर में हाउ डज द फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस? ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है. सोलार वाटर हीटर में फ्लो ऑफ वाटर कैसे होता है? देखो, ऑप्शन ए, हॉट वाटर एंटर्स द बॉटम एंड राइजेज अप आफ्टर पासिंग थ्रू द थिन पाइप्स. अरे बेटा, हॉट वाटर कैसे एंटर करेगा? सोलार वाटर हीटर का काम क्या है? कोल्ड वाटर अंदर जाके बाहर में हॉट वाटर निकालना. तो ये तो गलत है, हॉट वाटर एंटर बोल रहे नहीं, कोल्ड वाटर एंटर करेगा फ्रॉम द बॉटम एंड राइजेज अप आफ्टर पासिंग थ्रू द थिन कॉपर पाइप्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. तो देखो, कोल्ड वाटर एंटर करेगा किसमें? सोलार वाटर हीटर में, और बाहर से आपको निकलने वाला है हॉट वाटर. ठीक है, यस, आफ्टर पासिंग थ्रू द थिन कॉपर पाइप्स से जाता है और पाइप्स में हीट मिलता है. कहाँ से? सोलार से. यस, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. फिर देखो ये क्वेश्चन, देखो, इन अ सोलार वाटर हीटिंग सिस्टम द कॉमन मटेरियल यूज्ड इन वाटर कैरिंग पाइप इन अ सोलार कलेक्टर इज कॉपर. बेटा, जो सोलार वाटर हीटिंग सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है ना, अंदर में ठंडा पानी बाहर जाएगा, बाहर में गर्म पानी आएगा. तो बेटा, पानी को फ्लो कराने के लिए कुछ ट्यूब्स चाहिए. तो वो जो ट्यूब्स होते हैं वो कॉपर के ट्यूब्स होते हैं. कॉपर ट्यूब्स इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इनका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हाई होता है. दैट्स वाई वी यूज़ इट. यस, डायरेक्ट. सोलार स्टील इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिस्टिलेशन ऑफ वाटर. बेटा, सोलार स्टील, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ पे ना स्टील इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें ना कोई फ्लो नहीं होता, इसमें कोई फ्लो ऑफ वाटर वगैरह नहीं होता, है ना? यस, और सोलार स्टील मतलब डिस्टिलेशन ऑफ वाटर. और ये बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जहाँ पे खारा पानी रहता है, मतलब सॉल्टी वाटर रहता है, और उसके आपको नमक को अलग करना है, नमक को अलग करके पानी अलग करना है, नमक और पानी को अलग करना है, तो तब हम डिस्टिलेशन ऑफ वाटर करते हैं. और सोलार स्टील उसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज हम यहाँ पे एनर्जी यूज़ करते, सोलार एनर्जी, सन से जो एनर्जी है ना उसको यूज़ करके नमक एंड वाटर को अलग करते हैं. आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं. देखो, द कंसनट्रेटर टाइप सोलार कलेक्टर, जो कंसनट्रेशन टाइप सोलार कलेक्टर है वो बेसिकली क्या करता है? फर्स्ट एब्जॉर्ब द, देखो कंसनट्रेशन टाइप, एक होता है बेटा फ्लैट प्लेट कलेक्टर एकदम नॉर्मल डिवाइस होता है, लेकिन कंसनट्रेशन टाइप में क्या होता है ना, फ्लैट प्लेट कलेक्टर के ऊपर ही हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं जिसको हम बोलने लग जाते हैं कंसनट्रेटर टाइप. कंसनट्रेटर टाइप बेसिकली करता क्या है, जो भी बिखरे हुए सोलार रेडिएशंस आएंगे उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करेगा. लेकिन उसमें होता क्या है, देखो वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट एब्जॉर्ब द रेडिएशन एंड इंक्रीजेस इट्स कॉन्सेंट्रेशन. बेटा याद रखना, पहले एब्जॉर्ब होता है, देखो इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सोलार रेडिएशन बिफोर एब्जॉर्बिंग इट. सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब पहले नहीं होता, ये गलत है. एब्जॉर्ब पहले होता ही नहीं है, पहले कॉन्सेंट्रेट करेगा. कॉन्सेंट्रेट करेगा मतलब देखो, जैसे पहले इस तरीके से आ रहे थे रेडिएशंस, अब सारे रेडिएशंस देखो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गए, हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया, तो देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो गए. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो सोलार रेडिएशन का इंटेंसिटी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब आप बोल सकते हो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया सोलार रेडिएशन का. तो इंक्रीजेज द डेंसिटी, पहले डेंसिटी को इंक्रीज करता है, मतलब सारे रेडिएशंस को पास लेके आता है, फिर उसके बाद कलेक्टर जो है एब्जॉर्ब करता है. तो ऑप्शन बी करेक्ट है, पहले हम डेंसिटी को इंक्रीज करते फिर एब्जॉर्ब होता है. डाइल्यूट्स बोला है, मतलब फीका कर देना, दूर दूर कर देना, नहीं वो गलत है. यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो यहाँ पे क्या है, देखो अबाउट फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, तो दे आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, ये सही है. दे हैव एफिशिएंसी, दे डू नॉट ट्रैक द सन, ये भी सही है. दे मेक यूज ऑफ बोथ बीम एंड डिफ्यूज, यस बिल्कुल सही है. याद रखना, जो कॉन्सेंट्रेटेड टाइप कलेक्टर्स होते हैं वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीम को ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो फ्लैट प्लेट है वो बीम एंड डिफ्यूज्ड दोनों को यूज़ करते हैं. तो आपका ऑप्शन फोर, लेकिन ये आपका गलत है. तो 1, 3 एंड 4
तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है. यस एग्जैक्टली. द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टाइप, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर, एक्चुअली सी आर जो है कॉन्सेंट्रेशन रेशियो वो होता है एरिया ऑफ कलेक्टर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ रिसीवर या एब्जॉर्बर आप बोल सकते हो. तो ये जो है फ्लैट प्लेट कलेक्टर में कोई कॉन्सेंट्रेशन के लिए वही नहीं होता, तो ये आपका वन के बराबर हो जाता है डायरेक्ट. ठीक है. उसके बाद सेलेक्टिव सरफेस हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सेलेक्टिव सरफेस का मतलब क्या होता है पता है, जो रिसीवर होता है जहाँ पे रिसीव होने वाला है, जो एब्जॉर्बिंग सरफेस होता है, एब्जॉर्बिंग सरफेस है ना. आप सभी को पता होगा जैसे ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर है सबसे टॉप में होता है ग्लास, सबसे टॉप में होता है ग्लास जिसको ग्लास कवर बोलते हैं. उसके बाद होता है बेटा आपका एब्जॉर्बिंग मटेरियल. ठीक है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एब्जॉर्बिंग मटेरियल. ये जो है बेटा आपका क्या है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल. और ये जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है इसी को हम बोलते हैं सेलेक्टिव सरफेस. तो इसमें क्या होता है, जब आपका रेडिएशन आएगा तो जो सन से रेडिएशन आता है, सन से जो रेडिएशन आता है वो कौन सी एनर्जी होती है, उसमें बहुत हाई एनर्जी होती है. और जब एनर्जी हाई होती है एच सी बाई लैम्डा, देखो जब एनर्जी हाई होती है तो लैम्डा जो है वो कम होता है. तो यस शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी वाले वो आएंगे. फिर उसके बाद जब आप इसके अंडर में जाएंगे, ठीक है, इसके ये ग्लास कवर को अंदर ले जाएगा, ठीक है, तो उसका काम क्या होना चाहिए, देखो ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे. ठीक है, यस, ये आराम से ट्रांसमिट करे, है ना. यस, ट्रांसमिट करके, ट्रांसमिट होने के बाद, ठीक है, ट्रांसमिट होने के बाद इसका अच्छा खासा एब्जॉर्ब होना चाहिए. यस, तो हाई वैल्यू ऑफ एब्जॉर्बिटी फॉर द इनकमिंग रेडिएशन. बिल्कुल सेलेक्टिव सरफेस ये है, ऐसा है सेलेक्टिव सरफेस, तो इसका एब्जॉर्बिटी बहुत हाई होना चाहिए. बिल्कुल सही है. एंड लो वैल्यू ऑफ एमिसिविटी, ठीक है, फॉर द आउटगोइंग री रेडिएशन. तो मतलब ये जो आके यहाँ पे स्ट्राइक होंगे, एमिसिविटी का वैल्यू कम होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बेटा क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब. यहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होना चाहिए, एमिट नहीं करना चाहिए, ये एमिट नहीं करना चाहिए. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. यस, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स में ऑब्वियस ही बात है, इवैक्यूएटेड मतलब वहाँ पे हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं और वैक्यूम में कंडक्शन एंड कन्वेक्शन लॉसेस नहीं हो पाता क्योंकि इसको सप्रेस कर देते. क्यों? क्योंकि वैक्यूम में आपका सिर्फ रेडिएशन ही हो सकता है. यस, पैराबोलिक कलेक्टर जिसका लेंथ 2 है, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस दिया हुआ है, तो 2 into θ ये दिया हुआ है 60 degree. आपको कनेक्शन रेशियो निकालना है. कनेक्शन रेशियो का फॉर्मूला होता है 1/sin θ a. तो देखो थीटा ए का वैल्यू है 30 degree, तो यहाँ पे 1/sin 30 degree हो जाएगा. तो देखो ये 2 हो जाएगा, तो 2 इज़ द आंसर कनेक्शन रेशियो का. यस, उसके बाद इन अ सोलार कलेक्टर व्हाई इज़ द ट्रांसपेरेंट कवर प्रोवाइडेड. ट्रांसपेरेंट कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ट्रांसपेरेंट कवर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम प्रोटेक्ट द कलेक्टर फ्रॉम डस्ट, रिड्यूस द हीट लॉसेस फ्रॉम द कलेक्टर बीनीथ टू द एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसमिट सोलार. तीनों के तीनों सही है. डस्ट से बचाता है, हीट लॉसेस को कम करता है. भाई ट्रांसपेरेंट कवर रहता है ना ऊपर में, देखो ये जैसे आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, ये एब्जॉर्बिंग प्लेट है और सबसे ऊपर में ट्रांसपेरेंट कवर रहता है. वो इनकमिंग रेडिएशंस को अंदर तो आने दे देगा, लेकिन इससे स्ट्राइक हुआ कुछ कुछ रिफ्लेक्ट होंगे वो बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एनर्जी जो है वो कम हो जाता है. और एनर्जी का वैल्यू कम हो जाता है, तो एनर्जी का वैल्यू कम तो लॉन्ग वेवलेंथ हो जाते हैं, एंड ये लॉन्ग वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते कौन, ये ट्रांसपेरेंट कवर. तो यहाँ पे ना ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है. तो ये भी सही है, बी सही है, ट्रांसमिट सोलार रेडिएशंस ओनली. बिल्कुल सोलार रेडिएशंस को ट्रांसमिट करता है, ये भी सही है. तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. यस, उसके बाद द कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ द फ्लैट प्लेट कलेक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाई पुटिंग अ सेलेक्टिव कोटिंग ऑन द प्लेट. बिल्कुल सही है, सेलेक्टिव कोटिंग लगाओ तो लॉसेस कम होंगे. और आपका इवैक्यूएटिंग द स्पेस, इवैक्यूएटिंग द स्पेस मतलब बेटा वैक्यूम क्रिएट कर देना. वैक्यूम क्रिएट करने से कंडक्शन एंड कन्वेक्शन लॉसेस नहीं होंगे, जिसके कारण आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है. ठीक है, उसके बाद देखो पैराबोलॉइडल डिश जिसमें द कंसंट्रेटर ट्रैक्स द सन बाय रोटेटिंग अबाउट 2 एक्सेस. क्योंकि आप सभी को पता है
सन जो है डेली बेसिस पे अपने ऑन इट्स ओन एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है, जिसमें डे डे नाइट होता है, मतलब रोटेट कर रहा है अपने खुद के एक्सिस से, लेकिन वो रिवॉल्व भी कर रहा है सन के अबाउट, ठीक है, सन के अबाउट रिवॉल्व भी कर रहा है। तो बेसिकली ये दोनों मूवमेंट को हमें ट्रैक करना है, किसके, सन का। तो इसलिए कंसंट्रेटर ट्रैक्स द सन बाय रोटेटिंग अबाउट टू एक्सिस, दो एक्सिस के अबाउट रोटेशन होना चाहिए, टू एक्सिस के अबाउट, एक ईस्ट टू वेस्ट वाला डायरेक्शन और एक नॉर्थ साउथ वाला डायरेक्शन। यस, इन विच टाइप ऑफ कलेक्टर इज सोलार रेडिएशन फोकस्ड इनटू द एब्जॉर्बर फ्रॉम द टॉप रादर देन फ्रॉम द बॉटम। ठीक है बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड पैराबोलिक, इसको थोड़ा सा पढ़ो, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, जितने भी है फ्रेजन लेंस, पैराबोलॉइडल, कॉन्सेंट्रेटिंग, ये सब के सब ठीक है, कहाँ से होता है, बॉटम से रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन जो कंपाउंड है ना ये बेसिकली टॉप से होता है, क्योंकि कंपाउंड जो होता है, देखो ये आपका मान के चलो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, ये मान के चलिए बेटा आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, ऊपर में कुछ ऐसा बना दिया, तो देखो सन का रेडिएशन आया वो रिफ्लेक्ट होके देखो इसमें लिखा, देखो टॉप से लगा ना, फ्रॉम द टॉप सोलार कलेक्टर के ऊपर गिरा, तो ये कंपाउंड वाला ऐसा ही होता है। ठीक है, यस, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, आपको पीक पावर डिलीवर्ड टू द एरिया बोला है। तो देखो 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, उसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1.5 × 1.8 ये आपका वॉट में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है एक्टिव एरिया सिर्फ 90% है, तो इंटू 0.9 तो डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, आपको देखना 2.43 किलोवाट आ जाएगा आंसर। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोला है, द सर्फेस हैविंग हाई एब्जॉर्बेंस, हाई एब्जॉर्बेंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है शॉर्ट वेव लेंथ रेडिएशन को, शॉर्ट वेव रेडिएशन मतलब हाई एनर्जी वाले, एंड लो एमिटेंस ऑफ लॉन्ग वेव मतलब लो एनर्जी, तो इसका ये होता है बेटा सेलेक्टिव, अब भी बताया मैंने, यस सेलेक्टिव होता है। यस, देखो इन अ सोलार टावर पावर सिस्टम ईच मिरर इज माउंटेड ऑन द हीलियोस्टेट है ना बेटा, आप लोगों को याद होगा बेटा एक ऐसा टावर होता है ना, टावर होता है ऐसा, ठीक है, टावर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटर होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटर होता है, सी यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट मिरर्स लगाया जाते हैं जिसको हम फ्रेजन लेंस बोलते हैं, ठीक है, और वो जो फ्रेजन लेंस होता है, मिरर जिसको बोलते हैं, वो जिस सपोर्ट के ऊपर रहता है उसको हीलियोस्टेट्स बोलते हैं। तो देखो जैसे सन का रेडिएशन आएगा इसमें टकरा के इसके पास जाएगा, फिर देखो सन का रेडिएशन आए इसमें टकरा के इसके पास जाएगा, देखो सन का रेडिएशन आए इसमें टकरा के इसके पास जाएगा, ठीक है, देखो सन का रेडिएशन आया इसके पास आके इसके पास जाएगा, तो बेसिकली इसके ऊपर आके कॉन्सेंट्रेट हो रहा है ना, इसके ऊपर आके कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो इसको हम सोलार टावर पावर सिस्टम बोलते हैं। और हीलियोस्टेट मतलब ये जो मिरर्स हैं बेटा, मिरर्स जिसके ऊपर सपोर्ट हो रहे हैं, जो मिरर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना इसके पास जाके, तो यस यहाँ पे आपका जो सपोर्ट है उसको हम हीलियोस्टेट बोलते हैं। या मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल, ठीक है, यस, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो यही है आज का सेशन, तो बेटा अच्छे से पढ़िए आप लोगों का एग्ज़ाम अब बहुत ही करीब आ चुका है, अब आप लोग ज़्यादा लेट नहीं कर सकते बेटा, रिवीजन करो, भर भर के रिवीजन करिए। वैसे कल सुबह 12:30 मैंने एक सेशन रखा है विंड एनर्जी का, तो अगर आप लोगों को पढ़ना है आप लोग आके पढ़ सकते हो। और बेटा अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं बेटा, यू कैन यूज़ माई कोड DSMYT, ये कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो कॉम्बैट है वो हमारा है 17th या 18th July को है, नेक्स्ट संडे को, तो आप लोग ज़रूर आके ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट स्कॉलरशिप, रैंक 1 से लेकर रैंक 100 तक को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिलेगा ही। ठीक है, एंड यस आप लोग डेफिनेटली अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देख सकते हो, प्लस में जो सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है, इसमें आप लोगों को सारे एजुकेटर्स के लेक्चर, आप लोगों को डाउट सॉल्विंग का भी वो मिलेगा, डाउट सॉल्व आप लोगों को किया जाएगा, एंड आइकॉनिक में आप लोगों को एक्सपर्ट्स मिलते हैं, टॉपर्स होते हैं जो आपको गाइड करेंगे, तो आप लोग DSMYT कोड यूज़ करके आप लोग परचेस कर सकते हो, यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट।
ठीक है, तो जल्द से जल्द एनरोल करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो ये ESE का टेस्ट सीरीज़ है जो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा। यस, ESE का टेस्ट सीरीज, ठीक है। देखो 15 जुलाई को अगला है, उसको आके देखिए, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल से। मैं बार्क का सीरीज चालू कर रहा हूँ रात को 9:30 बजे, स्टे ट्यून्ड, यही चैनल में होगा। और सुबह 12 बजे हमारा स्पेशल क्लास होगा, ठीक है, विंड एनर्जी के ऊपर, उसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। और एक और बात बता देता हूँ, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो बेटा, आज ही जाके एनरोल करिए मेरा कोड यूज़ करके। एंड ऑल्सो आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, फ्री सीरीज चालू होने वाले बार्क का, और मेरा टेलीग्राम चैनल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय दीप संगीत, उसको जाके ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।